आज मैं आपको बताऊंगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप उसके सर्किट डायग्राम देख सकते हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की। ये जो है हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, और ये सब जो S1 है, S2 है, ये सब स्विचेस है। ये वोल्टेज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है 10 वोल्ट, मीन्स ये सब स्विचेस को 10 वोल्ट मिलेंगे। तो ये जो स्विचेस है, जैसे ये ऑपरेट होंगे 1 बाय 1, अब जैसे कि ये सभी ऑन है, तो ये कौन सा नंबर डिस्प्ले होगा वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब सारे स्विचेस ऑन है, मीन्स कंडीशन कैसी है, 1 1 1 1 1 1 1 1 अप टू 7, तो ये 8 डिस्प्ले होगा। और ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों कहा जाता है, यहाँ पे आप जब काउंट करेंगे, ये जो 8 लिखा है उसके जो रेड डॉटेड आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस नाम की वजह से इसको हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ओके, तो सारे ABCDEFG जब ऑन रहेंगे, सब स्विचेस ऑन रहेंगे, तो ये कौन सा नंबर डिस्प्ले होगा, 8। अब मैं 1 बाय 1 ओपन करते जाऊंगा। यहाँ पे देखो स्विचेस, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिस्प्ले हो रहा है अब 9। अब कौन से स्विचेस ऑन है और कौन से स्विचेस ऑफ है, वह आप देख सकते हो कि S4 और S5 ऑफ है, बाकी सब ऑन है। तो जब ऑन है तो यहाँ पे ये टाइप का नंबर डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे मैं सब ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने S4, S5, S6, S7, मीन्स DEFG मैंने ऑफ़ की है, और सिर्फ ऑपरेट हो रहा है ABC। तो ये जब ABC ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे कौन सा नंबर मिल रहा है, 7 नंबर। ओके, तो इस तरीके से 7 सेगमेंट डिस्प्ले वर्क करता है। ओके, और ये जो है आखिर में ये ग्राउंड पार्ट है। ओके, कनेक्शन इसका इस तरह से रहेगा, 10 वोल्ट सबको मिलेंगे, और जैसे जैसे सारे चीज़ें, अब मैं मुझे इसको ऑफ ज़ीरो कर देना है, मीन्स कोई डिस्प्ले नहीं करना है, तो सारे को ऑन कर दो, तो ये सब ज़ीरो, मीन्स डिस्प्ले ज़ीरो हो जाएगी। कोई भी अगर स्विच ऑन करेंगे, मीन्स बी ऑपरेट करेंगे, उसके बाद में जी ऑपरेट करेंगे, तो इस तरीके से कोई भी वर्ड अगर बनाना है, तो यहाँ पे उस ABCDEFG को ऑपरेट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से 7 सेकंड डिस्प्ले ऑपरेट होता है।